आगरा से खबर आ रही है इश्का रॉयल क्रिकेट क्लब में प्रत्येक वर्ष के प्रति इस वर्ष भी आपको बताते चले कि आगरा में प्रति निष्ठा सेठ और जॉन्स डिग्री कॉलेज के क्रिकेट गार्ड में ही सील, जिसमें 2020 का वेटरन क्रिकेट टूर्नामेंट और यहां पर एडिटिंग का आयोजन किया जा रहा है। आज संजय पैलेस आहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया की जानकारी देते हुए जहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट में 32 वर्षीय अधिक उग्र के क्रिकेट खिलाड़ी प्रतिभाग ले रहे हैं। इस वर्ष का आयोजन टूर्नामेंट के साथ ही 32 वर्ष की उम्र में अनेकों राज्य और राज्य स्तरीय देश स्तरीय क्रिकेट खिलाड़ी प्रतिभाग किया जा रहा है, जिसमें 16 टीमें ने भाग लिया था। टूर्नामेंट इनाम भी घोषित किया गया है, जहां पर इश्का रॉयल क्रिकेट क्लब आगरा में एकमात्र इश्का चैंपियंस 20 क्रिकेट लीग के साथ ही मुख्य उद्देश्य है कि 32 अपने शरीर को मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रखने के लिए 40 साल की उम्र के बाद भी खेलने के लिए परिवार के लिए एक अन्य खिलाड़ी हैं। मैं आरएम कपूर, आई एम दी संरक्षक ऑफ दिस प्रोग्राम। हमारा बेसिक उद्देश्य क्या है कि आगरा के जो क्रिकेटर हैं उनको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कैसे लेके जाए, उसकी तैयारी है। अभी वेटरन्स के लिए है, लेकिन छोटे बच्चों से लेकर उनका वाली है। इस टूर्नामेंट का फॉर्मेट अगले साल बिल्कुल बदल जाने वाला है। एंड हमारी रिकॉग्नाइजेशन एक बार आगे के डिस्ट्रिक्ट पे स्टेट लेवल पे हो गई, तो इसका फॉर्मेट ही अलग बदल जाएगा। ये क्रिकेट टूर्नामेंट है, 2018 में शुरू हुआ था और अब इस साल भी हो रहा है। इसमें 16 टीम भाग लेंगी। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने हम लोगों को इस टूर्नामेंट के संग जोड़ा है। ओम सेठ जी हमारे सीनियर हैं, ये बहुत ही अच्छे खिलाड़ी रहे हैं आगरा के, और हम लोग इनसे जुड़े हैं और हम इनको एडवाइजरी के रखते। आप कुछ पूछना चाहते हैं सर? इस तरीके का जो प्रोग्राम कराने का उद्देश्य क्या रहा है? उद्देश्य यही है कि क्रिकेट को जिंदा रखें और क्रिकेट को पॉपुलराइज करें, जो कि ऑलरेडी इतना पॉपुलर है इंडिया में, तो एक क्रिकेट धर्म बन चुका है, और इसको कंटिन्यूएशन रखने के लिए ऐसे टूर्नामेंट्स की तो बहुत सख्त जरूरत है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।